सर्दियों का मौसम है, हरी हरी पत्तेदार जो मूली है वो देखकर मन तो ललचाता है। मूली की बहुत रेसिपीज हमारे घर में बनती हैं, इंस्टेंट अचार बनता है, मूली के पराठे बनते हैं, मूली के पत्तों का साग बनता है। तो मूली प्रेगनेंसी में हम खाएं कि नहीं खाएं, क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा? हेलो एंड वेलकम अगेन तो यूट्यूब मॉम चैनल। तो मूली के मेडिसिन वाले फायदे भी आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी की कुछ डिजीज में मूली बिल्कुल दवा की तरह ली जा सकती है। मूली जो है अनबॉर्न बेबी के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, और मूली खाने से प्रेगनेंसी में अगर आपको जुकाम है, कफ है, कोल्ड है, साइनस के इश्यूज हैं, उसमें भी आराम मिलता है, कफ पतला होकर निकलने लगता है। तो मूली एक रूट वेजिटेबल है, जड़ वाली सब्जी है, काफ़ी फाइबर होता है इसमें, तो कब्ज को ये नहीं होने देती, आपके पेट को साफ करने में हेल्प करती है। रिस्क क्या है? चूँकि ये ज़मीन के अंदर से आती है और उसमें रेशे होते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ईकोलाई, साल्मोनेला, प्रीडोमिनेंटली इन दोनों के इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी ठेले पर से मूली का सलाद ना खाएं, शादी पार्टी में जाएं तो प्रेग्नेंट हैं अगर तो सलाद ना खाएं, मालूम नहीं चलता कि उन्होंने उसको कैसे वॉश किया है, साफ पानी में वॉश किया है या नहीं किया है, या वही टैप वाटर से धो दिया है, तो इन्फेक्शंस आ सकते हैं। तो जब आप मूली का कुछ भी प्रिपेयर करते हैं, सलाद में उसको खाते हैं, तो मूली का ऊपर का लेयर आपको पील ऑफ करना है, छिलका उतारना है, उसको छीलना है और फिर उसको सलाद के तौर पे कंज्यूम करना है, या आप पराठे या कुछ भी बना रहे हैं तो छीलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपर लेयर में रेशे होते हैं और रेशों की जड़ों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टे करते हैं और वो आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये रहा रिस्क फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया है। अब आप मूली आराम से खा सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को दूर करके। तो मूली और क्या क्या आपको फ़ायदे देगी और किन डिजीज़ में मूली दवा की तरह आप ले सकते हैं, और इसकी बहुत सारे फीडबैक हमारे पास हैं। हमारे बहुत सारे प्रेग्नेंट मॉमीज़ जिनको लीवर इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, एलडीएल बढ़ा हुआ है या हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, लीवर फंक्शन टेस्ट बिगड़ा हुआ आया, उन्होंने मूली को यूज़ किया स्पेसिफिक तरीके से एंड कैसे 15 दिन में उनके टेस्ट रिजल्ट्स बदल गए। सो प्रेगनेंसी में हरी पत्तेदार सब्जियां या सर्दियां अगर आ रही हैं प्रेगनेंसी में, तो उस समय मूली आप आराम से खा सकते हैं, सलाद में भी खा सकते हैं, पराठे, सब्जी, हर चीज़ में इंजॉय कर सकते हैं। ये आपके पेट के लिए अच्छा, ये आपके न्यूट्रिशन के लिए अच्छा, और आपके बेबी के लिए भरपूर न्यूट्रिशन देगा आपको। लेकिन जब प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती हैं, जैसे कि आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर आपके लीवर फंक्शन टेस्ट पुअर है, टाइफाइड हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, ऐसे में मूली का एक स्पेसिफिक दवा आपको हेल्प करेगा। क्या करना है आपको? मूली के पत्ते लेने हैं, बहुत अच्छे से धोना है उसको, इतने अच्छे से धोना है जब तक आप कन्फर्म नहीं हो जाए कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, तब आप स्टैंडिंग वाटर में बड़े बकेट, बड़े टब में उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करके थोड़े पत्तों को आप चॉप कर लीजिए, एक या दो पत्तों को, और उसे एक ग्लास पानी में आप उबालने रख दीजिए ढककर। जब वो पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और आपको लग रहा है कि हाँ 2 मिनट हो गया और पत्तों का अर्क जो है वो बराबर पानी में आ गया, पानी का रंग भी बदल गया, हल्का पीलापन लिए, हल्का हरापन लिए पानी हो जाएगा, तब आप उसको छान लीजिए और पिसी हुई मिश्री रखिए, जो धागे वाली मिश्री आती है, आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाती है, आप उस धागे वाली मिश्री को पाउडर बना के रख लीजिए, एक कप में सिरप की तरह, सूप की तरह, चाय की तरह आप उसे लीजिए, स्वीटनर के तौर पे आप उसमें मिश्री मिलाइए और उसे आप पी लीजिए। एक दिन में 2 बार पिए, लीवर इश्यूज हैं तो कम से कम 10 to 15 days आप इसे रेगुलर लें, ताकि ये आपके लीवर को हील कर सके। इसको पीने के आधे घंटे बाद आपको कुछ हैवी नहीं खाना है, और इसे ज़रूरी नहीं कि आप खाली पेट पिए, आप कुछ खाने के बाद भी इसको ले सकती हैं, एकदम एम्प्टी स्टमक इसे ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मूली प्रेगनेंसी के इश्यूज़ के, लीवर इश्यूज जो आते हैं जिसमें स्किन पे खुजली होती है, परेशानी होती है, चकत्ते आ जाते हैं, बहुत इचिंग चलती है शरीर पर, उन सब के लिए बहुत अमेजिंग है। आप इसे दवा की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इश्यूज है, और पूरी प्रेगनेंसी मूली को यूज़ कीजिए, ये आपके बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के फॉर्म में अच्छी है, आपके लिए, प्रेगनेंट मॉमी के लिए कब्ज से राहत देने वाली है और ताकत को बढ़ाने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।